बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में ओ की मात्रा पढ़े थे, उसी से बने शब्द का अध्ययन किए थे। अब उसी पाठ का आगे मोहन का घोड़ा पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नटखट था मोहन का घोड़ा, मोहन ने उसका कान मरोड़ा। मोहन का घोड़ा बहुत शरारती था, अब मोहन ने उसका कान मरोड़ा, कान ऐठा। लेकर भागा वन की ओर, केऊं केऊं करता शोर। अब उसे लेकर मोहन ने वन की ओर, जंगल की ओर भागा और वह बहुत जोर जोर से शोर कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था। उधर नाचता था एक मोर, पेड़ पर सोता था एक तोता। और उधर एक मोर नाचता था जंगल में और एक तोता पेड़ के ऊपर सोया हुआ था। असर शोर का कुछ ना होता, धोबी मैले कपड़े धोता। और उस घोड़े की आवाज़ का उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था, और धोबी तालाब के किनारे मैले कपड़े, गंदे कपड़े धो रहा था। हाथ में उसके मोटा छोटा घोड़ा देखता जब भी छोटा। और हाथ में, मोहन के हाथ में एक मोटा छोटा, एक मोटा डंडा था। और घोड़ा उस छोटा को देखता जब भी चुप होकर वह बोझा ढोता। और जब भी वह मोहन का छोटा देखता, शांत होकर उसका बोझा ढो रहा था। मोहन ने फिर पकड़ी डोर, लेकर जाता घर की ओर। फिर मोहन ने उसकी डोरी को जोर से पकड़ा और घर की तरफ लेके चला गया। आगे इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनें। मोहन घोड़ा, सही उत्तर क्या होगा? घोड़ा, ख। दूसरा, मोर वन में क्या कर रहा था? क गा रहा था, ख फुदक रहा था, ग नाच रहा था, ख घ उड़ रहा था। तो सही उत्तर है ग नाच रहा था। तीसरा, धोबी क्या करता था? कपड़े धोता था, बोझा ढोता था, घोड़े पर घूमता था, नाचता था। उत्तर है क कपड़े धोता था। चौथा प्रश्न, तोता क्या कर रहा था? तो उत्तर है उत्तर है तोता घ है सो रहा था। पढ़ो और लिखो। धोबी मोर घोड़ा सोता ढोता शोर तोता डोर धोता मड़ोड़ा। इसी प्रकार आप लोग अन्य शब्द भी बनाकर लिख सकते हैं। बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और इसके अभ्यास प्रश्न जो हम अभी बताए हैं उसको कॉपी में लिख कर याद करिएगा। धन्यवाद।